दावा हो और हकीकत ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि हकीकत देखने के लिए हम अपने हाथों से प्लांट इंशाल्लाह करते हैं। इंशाल्लाह ये ले लें, ये लेना। ये वाला ले। अच्छा ठीक है, इसको कैसे करेंगे जी? निकाल दें, इसको ऐसे फाड़ दें? नहीं नहीं खींच लेते बैग को खींच। अच्छा ठीक है, ओके। इसको कैसे? बैग बेशक आप रहने दें क्योंकि हमने इसको रीयूज करना है। हाँ, इसको हमने दोबारा यूज़ करना है, इसलिए हम बैग ख़राब नहीं कर रहे। ये कोकोपीट भी हमने दोबारा यूज़ करनी है, इसको भी हमने संभाल के रखना है। ठीक है, माशाल्लाह। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़रा लंबी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीटी फार्म्स के ऊपर अब्दुल वाजिद साहब के साथ। बहुत एक्सपर्ट और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो क्रॉप देख रहा हूँ जो देखने की मेरी ख्वाहिश थी। मैंने पिछले साल काफ़ी जगहों के ऊपर विज़िट किया जिन्होंने जिंजर को ग्रो करने की पाकिस्तान के अंदर कोशिश की और काफ़ी लोगों से मिला। एक लफ्ज़ सुनने में आता था कि पाकिस्तान के अंदर आप अदरक ग्रो नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह अब्दुल वाजिद साहब ने बहुत अच्छा काम किया। क्रॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ साथ आप शॉर्ट्स देखते रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जिंजर को पाकिस्तान के अंदर ग्रो करने के बारे में, क्योंकि ये बात ख़त्म हो चुकी है कि पाकिस्तान में ये ग्रो नहीं हो सकता। अब कैसे करना है, आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, उसका तरीकाकार क्या है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, ये सारी की सारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अब्दुल वाजिद साहब, तो पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में ये एक मुश्किल क्रॉप है या आप इसको आसानी से कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत आसान क्रॉप है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में लाइक लास्ट 10 ईयर से कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप्स और इससे पहले चेरी टोमेटोज और कलर्ड कैप्सिकम और लेटस हर्ब्स वगैरह इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उसके मुकाबले में अगर मैं देखूँ तो मुझे तो लगता है कि ऐसे पीस ऑफ केक है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है। जी एग्जैक्टली, ये एक आम आप समझें कि एंटी इंसेक्टनेट लगा हुआ है साइडों पे और एक हाई टनल है, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर पहले साल मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने जिंजर उगाना है, जी सर, तो मुझे क्या कॉस्ट आएगी? सर इसके बेसिकली दो कैपिटल कॉस्ट के दो फैक्टर्स हैं। एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, बेसिकली ये नेट हाउस है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो शेड है वो लगा हुआ है, इसके अलावा इसके ऊपर एक और नेट है। ठीक है, जो बेसिकली आपको दो चीज़ों से बचा रहा है, एक तो बर्ड्स इसके अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हेल हो जाती है, किसी तरह की जालाबारी हो जाती है, तो वो अंदर क्रॉप को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, एक वो प्रोटेक्शन है उसका फ़ायदा। एक और तीसरा फ़ायदा ये है कि हाई वेंटिलेशन। ठीक है, ये 80% एयर को आउट करता है, 20% सिर्फ जो है ना एयर को रोकेगा। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे नेट लगा हुआ है ब्लैक शेड क्रॉप, ये बेसिकली इसका एक एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, कि चूँकि एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स के अंदर चूँकि हर वक्त बादल रहते हैं। ठीक है, तो हमने वो वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। हमने इसको आर्टिफिशियली बताना है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी ऊपर बादल हैं। अच्छा, ट्रॉपिकल अगर किसी बंदे को समझ नहीं आ रही तो आप अपनी आसान अल्फाज में समझ लें कि ठंडा इलाका, मतलब बहुत ज़्यादा सर गर्म भी, मतलब बहुत थोड़ा सा बारिश वाला नहीं होगा, बारिश वाला ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी वाला। ठीक है, दूसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी का आ जाता है यहाँ पे, यानी सिर्फ शेड क्रॉप काफ़ी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो इसके अंदर जो फॉगस लगे हुए हैं वो इसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर हमने हाई ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर। ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी बता दें जरा कि कितने परसेंट होनी चाहिए? जी 70-80% हमने नमी इसके अंदर रखनी है, हवा के अंदर, जो इन पौधों के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है इसका ग्रोइंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं, हम सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे, तो अब हमें बैग्स वगैरह चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। तो बैग्स हमने लोकली सोर्स की है। ठीक है, तो आपको इसमें भी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर एक कोकोपीट चाहिए हमें, इनर्ट मीडिया ऐसा चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोपोनिकली ग्रो कर सकें, ताकि हम अपनी ग्रोथ स्टेज को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ताकि सीडलिंग में कौन सी आपने खाद डालनी है, ठीक है, इसके अलावा जब मचोर हो जाए तब कौन सी डालनी है, और जब फ्रूटिंग पे आ जाए तब कौन सी खाद डालनी है। चलिए यहाँ मैं थोड़ा सा बात काट रहा हूँ आपकी, आगे डिटेल्स में चले जाएँ। कोकोपीट बहुत ही एक नॉर्मल सा हमारा मीडिया है, जी सर, जो कि आप न्यूट्रल समझ लें। एग्जैक्टली, कि उसमें आप जो चीज़ डालेंगे वो प्लांट अपटेक कर लेगा, उसमें कंटेमिनेशन नहीं है, फंगस वगैरह के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आपको ये क्या कॉस्ट किया था एक एकड़ का? सर हमने चूँकि श्रीलंका से मंगवाया था, डायरेक्ट इम्पोर्ट किया था, तो हमें कॉस्ट है तकरीबन 2 मिलियन के करीब। 2 मिलियन, उसकी लाइफ कितनी है?
हम इसको 5 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक बेसिकली शेक ये है कि आपको इसमें 10% कोकोपीट नई कोकोपीट आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, वो इसके जो बेसिकली जो जो चिप्स है जी 3-4 साइज के चिप्स होते हैं वो इसमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ये चिप्स मुराद ये एक एग्जैक्टली टुकड़ा है जो भी आप ले। अच्छा, ये नारियल इतना पाकिस्तान के अंदर आते हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं ले सकते? सर, नारियल की प्रोडक्शन एक तो हम प्रोसेस इसका इस तरफ नहीं जा रहे कि हम उसको एज ए सॉइल यूज़ कर सकते। ठीक है, दूसरा मसला ये कि कोकोपीट बनाने के लिए आपको तकरीबन 3 लाख के करीब कोकोनट्स चाहिए पर जो 1 टन कोकोपीट को सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, तो आपको बहुत बड़ी प्रोडक्शन चाहिए सिर्फ केटर करने के लिए कि पाकिस्तान की कोकोपीट पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम श्रीलंका से ही मंगवा लें। ठीक है जी, अब हमारे पास कोकोपीट आ गई है, सीड इंपोर्ट करना चाहिए या लोकल सीड यूज़ करना चाहिए? जी सर, इंपोर्ट सीड के अंदर देखें आप कर सकते हैं, हमने भी ये इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके हमने वो वैरायटीज़ देखी जो पाकिस्तान में कंज्यूम हो रही थी। कोई वैरायटी बता सकते हैं? बेसिकली हमने जो चाइनीज़ ज़्यादा कंज्यूम होती है हमने वही वैरायटी। ठीक है, ठीक है, इसको वो वहाँ पे बड़ा कॉमन सा एक बेसिकली बिग जिंजर के नाम से एक वैरायटी है जो चाइनीज़ अपने यानी हमें जो बताते हैं इंग्लिश में करते हैं, अपनी ज़ुबान में उनका कोई और लफ्ज़ है वो बहरहाल मुझे भी समझ नहीं आया था। okay. मुझे इतना नहीं पता उसका। बहरहाल बिग जिंजर का जो बेसिकली वैरायटी थी वो हमने मंगाया। सही है, अब जो सवाल है कि हम लोकल करें या मैं अगर लोकल लेना चाहता तो मेरे पास था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं थी। तो पाकिस्तान में ग्रो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि ग्रो नहीं हो सकता तो नेचुरली मैं ले ही नहीं सकता था। अब ये इशू था जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट करना पड़ा। हाँ ठीक है, बट इम्पोर्ट करने में नुकसान ये हुआ कि हमारा 50-55% मोर्टेलिटी आई। ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आती ही आती है जब भी आप कोई भी सीड इंपोर्ट करें। सही है, ठीक है। यहाँ पे हल आपका ये है कि अब चूंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो गया है तो आप यहाँ पे लोकल ग्रोन और क्लाइमेटाइज्ड क्रॉप से आप सीड ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और पाकिस्तान के क्लाइमेट में अब आप बना सकते हैं। ये ऐसे ही है ना कि जैसे हम ऑस्ट्रेलियन गाय वगैरह लेकर आते हैं तो वो पहले साल प्रॉब्लम करती है, लेकिन उससे जब हम अपनी ब्रीड चलाते हैं तो वो जो उसका अगली ब्रीड होती है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है गर्मी वगैरह को, तो ये हमारे माहौल का आदी हो चुका है। एब्सोल्युटली सर, इसी को एक्लाइमेटाइज कहेंगे। जी एग्जैक्टली सर, क्योंकि पूरा साल हमारे पूरे सर्दी गर्मी बहार और ऑटम को भी ये देख चुका है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर हम इसको ग्रो करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक सीड है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा, मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा और प्रोडक्शन लेवल भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसमें मेरी एक कन्फ्यूजन थी और मैंने अब्दुल वाजिद साहब से दूर भी कर ली कि ये हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि उससे आप अपना सीड नहीं बना सकते। Exactly. या अगर आप सीड बनाएंगे तो उससे करेक्टर चेंज होंगे, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिजीज अटैक ज्यादा आएंगे। Exactly. लेकिन अगर ऑर्गेनिक है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीड को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त आप कितना सीड तकरीबन तैयार कर चुके हैं? हमारे पास सर इस टाइम तकरीबन अभी कैलकुलेट नहीं किया हमने क्योंकि अभी हमने हार्वेस्ट करनी है, बट हमें लग रहा है कि अराउंड 20-25 एकड़ का हम सीड एटलीस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये पर प्लांट जी सर आपकी क्या प्रोडक्शन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक बैग के अंदर सर लास्ट ईयर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने डिफरेंट देखी थी चीज़ें। एक बैग के अंदर हमने 3 राइजोम्स भी डाले। ठीक है, और एक बैग के अंदर हमने 1 राइजोम भी डाला और 2 राइजोम भी डाला। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्शन रही है वो 1 राइजोम की ही रही। 3 डालने का मकसद ये था कि अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस एक मर जाता है तो दूसरा या तीसरा अवेलेबल हो ताकि उसको रिप्लेस करके वो सारा मेंटेन कर ले, बट ऐसे हो नहीं सका। बहरहाल चूंकि हर साल मैं एक एक साल पे एक एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो आप एक सीड भी या सीडलिंग इसके अंदर एक बैग के अंदर लगा सकते हैं, दैट्स सफिशिएंट। तो राइजोम से मुराद अगर नहीं किसी को समझ आई तो वो सीड है या वो प्लांट है जिसे वो आगे बढ़ाएंगे। जी सर। अच्छा, तो 1.5 kg पर प्लांट जी अभी तक जो प्रोडक्शन हम ले चुके हैं वो 1.5 kg आ रही है और दिस इज ग्रोइंग, दिस इज स्टिल ग्रोइंग। अच्छा, अब अगर हम एक प्लांट इसको निकालें सर तो कोई अली को प्लांट पास कर दिखाएंगे। अच्छा, दावा हो और हकीकत ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो मेरा ख्याल है कि हकीकत देखने के लिए हम अपने हाथों से प्लांट करते हैं। ये ले लें, ये वाला ले लें। अच्छा ठीक है, इसको कैसे करेंगे जी? इसको ऐसे फाड़ दें? नहीं नहीं, खींच लेते बैग को। अच्छा ठीक है, ओके। बैग बेशक आप रहने दें क्योंकि हमने इसको रीयूज़ करना है। हाँ, इसको हमने दोबारा यूज़ करना है, इसलिए हम बैग ख़राब नहीं कर रहे। ये कोकोपीट भी हमने दोबारा यूज़ करनी है, इसको भी हमने संभाल के रखना है। ठीक है, सॉरी कोई बात।
जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़रा लंबी ना हो। ये कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, और ये 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 है, ये है थोड़ा सा राइट, कोई बात नहीं। ये भी अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी कि आप अगर एक प्लांट को एक साल रखने के बजाय दो साल रख दें जी सर, यहीं ग्रो करते रहें, तो वो बढ़ता जाएगा? नहीं सर, एक्चुअली जब आप इसका सीज़न जो है वो स्प्रिंग से ले कर तो आपका जो है विंटर्स में जाके एंड हो जाए, मतलब नवंबर में आप ये 9-10 महीने की फसल है बुनियादी तौर। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल इसको बढ़ाना चाहेंगे तो ये इवेंचुअली इसी स्टेज पे आके जब सर्दी पड़ना शुरू, कोहरा पड़ना शुरू हो, इसमें डेड हो। और ये मार्च में दोबारा से प्राउड नहीं करेगा? जब दोबारा स्प्राउट नहीं करेगा, अनलेस अच्छा कि आप उसको प्रोसेस से गुजार लें और फिर आप उसको स्प्राउट करा दें। अच्छा ठीक है, तो ये है और ये कितना होगा? और अभी छोटा पौधा था, अभी छोटा पौधा है, तकरीबन ये ऑलमोस्ट कोई आधा किलो के करीब, आधा किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ना, जो हेल्दी प्लांट्स हैं, ये अभी ग्रीन है, इसने अपना साइज़ गेन करना है, अभी वज़न भी इसने बढ़ाना है, तो वो मैंने देखा है 900+ ग्राम का जी, और इस ऊपर भी 1.4 केजी का भी हमने निकाला, 1.3-1.4 केजी का, और अभी एक महीना आप इसको जी ग्रो कर रहे हैं जी, जी का तो 1.5 केजी के करीब करीब आपकी जो प्रोडक्शन है वो आ जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो इस वक्त जो रेट है मार्केट के अंदर 360-350 के आसपास है पर केजी जी, और मुझे याद है कि लास्ट ईयर 800 रुपीज़ पर केजी तक ये गया था जब शॉर्ट हो गया था। प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान में हमारे कहने के मुताबिक ग्रो नहीं होता, तो सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, जब कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है तो किसी भी वजह से उसकी शॉर्टेज आ जाती है, और उसको पूरा करने का यहाँ पर लोकल सोर्स कोई नहीं होता, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, एक एकड़ को अगर मैं रन करना चाहता हूँ जी सर, तो एक लफ्ज में बता देंगे इतनी आपकी कॉस्ट? अगर हम पूरी कंस्ट्रक्शन करें तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब कॉस्ट है, 1 करोड़ के करीब, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द रनिंग कॉस्ट। ठीक है, इसमें सीड भी आ गया, इसके अंदर सीड भी है, रनिंग कॉस्ट भी है, आपके मैनेजर की, आपके जो लेबर है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड फॉर एग्जाम्पल जो स्प्रेज वगैरह और आपने करने हैं, वो सारी इंक्लूसिव। ठीक है, तो देखें अभी एक एकड़ के अंदर जो मैंने कैलकुलेट किया ये 17,000 के करीब प्लांट्स हैं जी सर, और इसमें अगर आप 1 केजी या 1.5 केजी एक एवरेज निकालते हैं जी, तो कितनी आपकी प्रोडक्शन बन जाती है? 25 टन की प्रोडक्शन बन जाती है। तो आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं आप कैलकुलेट कर लें, फार्मर रेट आई थिंक पर केजी 50 रुपये कम होता है मार्केट से जी, exactly. मतलब 350 का बिक रहा है तो 300 रुपीज़ हाँ जी फार्मर प्राइस होगी जी, तो उसके साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट आपके सामने निकल के आती है। तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जी सर, और इससे कम भी की जा सकती है देखें, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मेरी हुई है, मुझे जो बेसिकली कॉस्ट पड़ी है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, पैरामीटर्स मैंने आपको बता दी है कि आप शेड क्लॉथ लगा लें, ठीक है, दिस 50% शेड ब्लैक शेड क्लॉथ है, ठीक है, इसके अलावा आप फॉगस लगा लें, ठीक है, हाइड्रोपोनिक मीडिया के लिए आप कोकोपीड यूज़ कर लें, ठीक है, सीड अच्छा परचेज कर लें, ठीक है, रनिंग कॉस्ट में मोर लेस हमारे 5 एकड़ पे 2 बंदे सिर्फ बुनियादी तौर पे जो लेबर के हैं, एक हमारा मैनेजर है जो इसको देख रहा है, ठीक है, तो ये कॉस्ट बुनियादी कॉस्ट है। हाँ, फर्टिलाइजर की कॉस्ट इसमें ऑब्वियसली आएगी क्योंकि कोकोपीड है, तो तकरीबन रोज इरीगेशन होती है, तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन 5-6 लाख रुपये कॉस्ट है, वो भी कॉस्ट है क्योंकि ये एक न्यूट्रल मीडिया है, exactly. इसमें जो भी इनपुट डालनी है वो अपनी जेब से डालनी है, वैसी exactly, ठीक है, वो जमीन से तो आएगी नहीं, नहीं है। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें मट्टी में इसको ग्रो करने का? नहीं, मेरा नहीं है पहले, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आप करने की जरा कोशिश करेंगे? हाँ जी, एब्सोल्युटली ट्राई करना चाहिए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट लाजमी हम करेंगे। अभी हमारे पास एक और नेट हाउस है तकरीबन 7 एकड़ का, उसमें हम इंक्रीज करेंगे। आप एक सक्सेसफुल फार्मर हैं जिंजर के जी सर, ठीक है, आपके ख्याल में पाकिस्तान के किन एरियाज के अंदर इसको ग्रो करना चाहिए? सर, मेरे ख्याल से कोई लिमिटेशन नहीं है, जिंजर एक ऐसी वर्सेटाइल क्रॉप है जो 0 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक ग्रो हो सकती है, प्रोवाइडेड कि इसको क्लाइमेट वैसा मिल जाए, हैबिटेट वैसा मिल जाए, ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियली वो मेंटेन कर सकते हैं तो आर्टिफिशियली मेंटेन कर लें, वरना ऐसे एरिया जो ऑलरेडी ट्रॉपिकल हैं या सब ट्रॉपिकल हैं तो वहाँ पे नेचुरली ग्रो हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं जी, टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? टेम्परेचर सर इसको चाहिए 35 डिग्री 32-35 ये पसंद करता है, पसंद और कम करता से कम कम अज कम तक 15 आप 10 तक भी कर लेता है, 10 तक भी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि आजकल यहाँ पे 20 के करीब तो है। इसमें सर डे में तो 20 है, वो तो कोई इशू नहीं, रात के टाइम 6-7 डिग्री आजकल चल रहा है, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट ये जो पिलाहट आ रही है वो इसकी बेसिकली इसी वजह से आ रही है, क्योंकि सर्दी पड़ रही है तो ये मैच्योर होना, तो पॉलीथीन आप इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि मैच्योरिटी के करीब है, आपको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, हमने। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर
मैक्सिमम हमारा अगर 40 डिग्री चले भी जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर होगा ये कि फ्यू आवर्स के लिए जाएगा जी। फ्यू आवर्स में अगर आपने फॉगर ऑन कर दी और हमें शेड दिया हुआ है, दैट्स मोर देन इनफ टू सस्टेन। पसंद करता है 35 को, 35 को चला गया तो आप उसको रिड्यूस, मसला नहीं होता, मरता नहीं, मरता नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको कंट्रोल करें। अच्छा, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए इसको? 70-80% करता है, मिनिमम 50 तक चला जाएगा, मिनिमम 60-65 तक चले जाए। इसे काम होना शुरू होगा तो फिर पत्ते इसके येलो होना शुरू हो जाएंगे और इससे ऊपर तो खैर जाता भी नहीं जी सर। तो ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिनको अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर कर लेते हैं जी सर। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। ये यहाँ पे बड़े आराम से कर रहे हैं क्योंकि ये जिस जौन सा एरिया है यहाँ पे 35 डिग्री तक मैक्सिमम, हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 40 पीक होता है 2-3 आवर्स के लिए, ठीक है, एवरेज अगर देखें 35 तक, तो बड़े आराम से यहाँ पे। तो अगर आपकी ज़मीन ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप ये बहुत गर्म इलाका है, तो बेहतर अपनी जगह चेंज कर लें। पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है, आपके पास हर किस्म का मौसम यहाँ पे मौजूद है, तो आप अपनी जगह चेंज करें। इतनी हाई मतलब क्रॉप है तो आपको अपनी जगह चेंज करनी चाहिए। तो जी बड़ा मजा आया माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इस साल आप सीड भी देंगे, आपका नंबर दे दें नीचे जी। शोर सर नंबर आपका वीडियो के नीचे दे देते हैं, तो इंशाल्लाह सीड आप लोगों को चाहिए तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं, और अगर आईआर फार्म के रेफरेंस से आएंगे तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट इंशाल्लाह मिलेगा। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।